चलिए हम बात कर रहे हैं, बस एक बात और करूंगी। मुझे पता है आपको भूख लग रही होगी, पानी की प्यास लग रही होगी। एक बार ताली बजा दे, हवा आ जाएगी। अरे आप सब महिलाएं एक जगह ही बैठी रहे जहाँ पहले व्यवस्थित तरीके से बैठे हुए थे, है ना। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, सब कुछ आपको वहीं मिल जाएगा जहाँ आप बैठे हुए हो, है ना। और आपके लिए ही हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। और आप ही अगर उठ के जाओगे तो फिर क्या मतलब है हमारा यहाँ खड़े रहने का। सभी बहने बैठ जाए, आ जाए इधर, वहाँ जो भी खड़ी है इधर आ जाए, आपको यही मिले, पानी वानी सब यही मिलेगा, है ना। देखो कितनी अच्छी बात बताई है हेमलता जी ने, एक एक बात एक एक करोड़ रुपए की बताई। कितनी? आप पैसा देकर वस्तुएं खरीद सकते हो, लेकिन ज्ञान खरीदने के लिए देखो कितनी अच्छी बातें आपको बताई है। काश आपने भी थोड़ी हिम्मत की होती ना, उस समय थोड़ी अच्छी पढ़ाई कर ली होती ना, तो आप भी डॉक्टर लगा देते, आप भी यहाँ से आ पटवारी बैठे होते, थानेदार नहीं बन के बैठे होते, एसडीएम बन के बैठे होते, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत। लेकिन कोई बात नहीं, आपने हिम्मत नहीं की, लेकिन अब आने वाली पीढ़ी को हिम्मत करके दिखाओ और इस सपने को साकार करके दिखाओ। इसी कड़ी में हमारे बीच में सिस्टर रानी जी पधारे और आप भी अपना उद्बोधन प्रदान करें। सिस्टर रानी जी, आप लोगों की हर समय सेवा में तैयार रहते हैं, आप लोगों के घर आते हैं, पूछते हैं, गली गली में पूछते हैं, कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है, टीम कैसे काम कर रही है, रियाना जी, जुगनू भैया सब काम ठीक कर रहे हैं, आ रही नहीं आ रहे, बराबर हर काम में सहयोग करती है। सिस्टर रानी जी आ जाएं और अपना संदर्भ प्रदान करें। एक बार जोरदार ताली बजा दे सिस्टर के लिए। सबको नमस्ते। थोड़े समय के लिए शांति बनाए रखें। तो आज का जो ये कार्यक्रम है घरेलू कामगार में